रेपिस्ट को जो है ना कोई भी आगे जस्टिस ऐसा होना चाहिए, आगे कोई बंदा रेप करने के आते सोचना चाहिए, वो लोग को इमीडिएटली फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। और वी वॉन्ट जस्टिस फॉर आसिफा, और आसिफा के साथ तो कोई भी बच्ची के साथ कोई ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए, तब से कोई औरत के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए, जस्टिस चाहिए। और मोदी सरकार बीजेपी वाले कि हम लोग आपसे बचे, अभी आपसे बचने का दिन आ गए और आप बेटी बचाओ बोलते और बेटियों का इस रेप करवाते। एक ऐसा मकसद है जो हिंदुस्तान में हमारी बच्चियों के साथ जगह जगह पे नाइंसाफी हो रही है, मासूम छोटी सी बच्चियों के साथ जो रेप किया जा रहा है, ये हुकूमत कौन से नशे में है। हम हिंदुस्तान की हुकूमत से और मोदी सरकार से अपील करते हैं, रेपिस्ट को सजा ऐसी दे कि आइंदा आने वाले नस्लों तक इसका पैगाम पहुँचे। और हम ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार से, वो हुकूमत के इख्तदार में इनके MLA इनकी मनमानी नहीं चलेगी। आम आदमी एक हुकूमत है खुद में, जो मासूम लड़कियों के साथ हो रहा है कल इनकी लड़कियों के साथ होगा। आज ये हिंदुत्व का जो झंडा लेके नाजायज लोगों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमान हो या हिंदू हो, इंसानियत कहाँ मर गई है। हम ये कहना चाह रहे हैं हिंदुस्तान की हुकूमत से, बीजेपी सरकार से, बीजेपी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, और मोदी सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कड़ी से कड़ी ये मुजरिमों को, ये जालिमों को जो बच्ची के साथ नाइंसाफी हुई, आसिफा को इंसाफ मिले, आसिफा के साथ उसके घर वालों को इंसाफ मिले, जो उसके बाप का कत्ल किया गया है उसको इंसाफ मिले। और हिंदुस्तान की आवाम से जो तकलीफ उठाना पड़ा ये हुकूमत आई जब से, कोई इंसाफ बराबर नहीं है, अपने अपने अहदों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग यहाँ जमा होने की वजह आसिफा को इंसाफ दिलाना चाहिए, आसिफा को जस्टिस मिलना चाहिए। बीजेपी हुकूमत की अभी ये चाल अब और नहीं चलेगी। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है मनमानी कामा कर रहे हैं, लोगों को माइनॉरिटी के नाम पे जो है सो माहौल को ख़राब कर रहे हैं। जगह जगह बीजेपी के जो है सो कई कंप्लेंट्स आ रहे हैं और गवर्नमेंट इनके खिलाफ पेंडिंग केसेस डाल रही, इनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एक्शन में हो रहा, और जो है सो ये रेपिस्ट जितना जल्दी हो सके अभी डाल रहे हैं। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि बेल को रिजेक्ट करिए, और जो है सो आने वाले टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रहेगी अब, और इन लोगों का दबदबा नहीं चलेगा। हम लोग सब सभी लोग स्टाफ मेंबर्स हर किसी कंपनी से आए हुए हैं, हम लोग आज ये जस्टिस के लिए डरे हुए हैं, आसिफा के लिए, और मोदी सरकार से बेटी बचाओ और तमाम बच्चियों की और औरतों की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट का काम है ये, और जो है बच्चियों की और मोदी सरकार होश में आओ, बीजेपी से बेटी बचाओ, बीजेपी से